दोस्तों, मैं संतोष सुन मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि हम बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाएं। हम बूटेबल पेन ड्राइव दो तरह से बना सकते हैं। पहला, आप डॉस के थ्रू बना सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से, और दूसरा आप विंडोज एनवायरनमेंट टाइप की बना सकते हैं, जो विंडोज़ के थोड़ा बहुत ईजी होता है और डॉस के थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन विंडोज़ के थ्रू बहुत ईजी होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं। बूटेबल पेन ड्राइव हमें ज़रूरत पड़ती है तब जब हम किसी भी सिस्टम को फॉर्मेट करना चाहते हैं और न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं बिना डीबीटी के से। तो हम सबसे पहले बूटेबल बनाते हैं और उसमें अपना ISO फाइल जो होता है वो कॉपी पेस्ट करते हैं। उसके बाद हम इंसर्ट करके किसी भी सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं। चलिए हम बताते हैं कि कैसे बूटेबल बनाते हैं, वो तो हम बाद में जानेंगे दूसरे वीडियो में कि हम कैसे फॉर्मेट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले ज़रूरत होती है हमें एक पेन ड्राइव की। देखिए, एक पेन ड्राइव है, 8 GB का पेन ड्राइव है, जिसे मैं इंसर्ट करूँगा अपने सिस्टम से। आफ्टर इंसर्ट करने के बाद देखिए, ये रिमूवल डिस्क आ गया जो 8 GB का है, मैंने बताया था। सबसे पहले हमें इसको फॉर्मेट करने की ज़रूरत पड़ती है बूटेबल बनाने के लिए। तो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ चेक करेंगे, ये कैपेसिटी दिखा रही है। और दूसरा आपको फाइल सिस्टम, जहाँ के तीन होते हैं हमेशा, NTFS, एक FAT32 जो हमेशा डिफ़ॉल्ट होता है, और दूसरा XFAT होता है। लेकिन हमें बूटेबल बनाने के लिए NTFS के थ्रू फॉर्मेट करना है, तो NTFS हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट स्टार्ट करने के बाद ये कुछ समय लेगी, उसके बाद फॉर्मेट कम्प्लीट हो जाएगा। तो देखिए, कुछ समय लगेगा, देखिए फॉर्मेट कम्प्लीट हुआ। तो अब हम चेक करेंगे, देखिए इंटरनल कुछ भी नहीं है, खाली है। और हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं, प्रॉपर्टी चेक करते हैं, यूज स्पेस में 27.1 MB बताता है। लेकिन जब हम खोल के देखें तो कुछ नहीं था फोल्डर में। और लेकिन यहाँ ये जो 27 MB जो स्पेस यूज दिखा रहा है, यही NTFS फॉर्मेट टाइप में बूटेबल है। बूटेबल जो बनाए हैं, क्रिएट किए हम, वही चीज़ है ये। तो बस आप फॉर्मेट करने के लिए हम अपने ISO फाइल को कॉपी पेस्ट करेंगे। बूटेबल क्रिएट हो चुका है, तो कॉपी पेस्ट करने के बाद हम किसी भी सिस्टम में आगे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हो सके तो शेयर करेंगे। और अगर आपको हमसे जुड़ना है तो हमारे दो सोशल नेटवर्क से आप जुड़ सकते हैं। पहला फेसबुक पेज बूटेबल से है हमारा, जो जुड़ने के लिए आप facebook.com/compboost compboost, और ब्लॉग के थ्रू है santoshsuman482.blogspot.in santoshsuman482.blogspot.in। थैंक यू फॉर वॉचिंग।